तो आज की वीडियो हम सीखेंगे कि अपने कंप्यूटर में फोल्डर कैसे क्रिएट करें और फोल्डर का आइकन कैसे बदलें, फोल्डर कॉपी कैसे करें, बिना नाम का फोल्डर कैसे बनाएं और एक ही नाम से दो फोल्डर कैसे बनाएं। तो वीडियो में आगे बने रहेंगे। सबसे पहले डेस्कटॉप पे करना है आपको राइट क्लिक, न्यू पे जाना है, फोल्डर पे जाना है। जैसे कि फोल्डर आपको जो भी बनाना हो जिस नाम से, उस नाम को आपको टाइप करना है। जैसे हम टाइप करते हैं कंप्यूटर क्लास, अब बाहर में करना है क्लिक, आपका फोल्डर बनके रेडी हो चुका है। अब चाहते हैं कि इस फोल्डर का हमें आइकन बदल देना है, तो उसी फोल्डर पे राइट क्लिक करना है, उसके बाद प्रॉपर्टीज पे जाना है, उसके बाद कस्टमाइज में जाना है, उसके बाद चेंज आइकन में जाना है और यहाँ से कोई भी फोल्डर का आइकन को सेलेक्ट करके ओके कर लेना है और अप्लाई और ओके करना है। आप देख सकते हैं कि फोल्डर का आइकन आपका यहाँ पे चेंज हो चुका है। अगर फिर से आप चाहते हैं कि हम यहाँ से फोल्डर का नाम चेंज कर दें, तो उसी पे राइट क्लिक करना है, रिनेम करना है और यहाँ पे जैसे हम लिख सकते हैं झारखंड और बाहर में कर देंगे क्लिक। आप देख सकते हैं फोल्डर का नाम चेंज हो चुका है। अब कभी कभी होता है कि हमें इस फोल्डर को कॉपी भी करना पड़ता है, तो कॉपी कैसे होता है, तो उसी फोल्डर पे राइट क्लिक करना है, कॉपी पे जाना है, फिर राइट क्लिक करना है और पेस्ट कर देना है, फोल्डर आपका कॉपी हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि बिना नाम का फोल्डर बना के देखना है। तो बिना नाम का फोल्डर कैसे बनता है, तो राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, फोल्डर पे जाएंगे और कीबोर्ड से अल्ट बटन को प्रेस करते हुए 0160 यहाँ पे टाइप कर देंगे और फोल्डर के बाहर में आप क्लिक कर दीजिए। आप देख सकते हैं फोल्डर आपका बिना नाम के बन के रेडी हो चुका है। अब फोल्डर का आइकन चेंज करना तो वही प्रोसेस है, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, कस्टमाइज, चेंज आइकन और यहाँ से किसी भी आइकन को आप सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करने के बाद ओके कर लें, अप्लाई कर लें, ओके कर लें, तो बिना नाम का फोल्डर बनके रेडी हो चुका है। कैसा लगा वीडियो कमेंट कर जरूर बताएं और किस तरह का वीडियो आपको चाहिए